बहुत दिन से वेट कर रहा था कि कोई अच्छा सा गाना सुनने को मिल जाए, और अचानक से यार आया एक नोटिफिकेशन कि टी सीरीज की तरफ से बी पराक ने एक गाना गाया है और उस गाने का वीडियो जो है रिलीज हो गया। अब इस गाने में खास क्या है और क्यों मैं इस गाने के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसका सबसे पहला रीजन है अताउल्ला खान, जो कि पाकिस्तान से थे और उनके गाए हुए जितने भी गाने हैं वो एक फिल्म के अंदर में लपेट करके हमारे सामने में प्रेजेंट किया गया था। फिल्म का नाम था बेवफा सनम। आई थिंक कि फिल्म से पहले एल्बम आया होगा और वो सारे गाने जो है सोनू निगम ने गाए, और गाने के बाद में जो वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए, उनको सब पहचानने लग गए, उनसे लोग प्यार करने लग गए। मेरी उम्र उस वक्त में ऐसी थी नहीं कि मुझे पता चले, लेकिन बचपन से लेकर के एक वक्त तक कई सालों तक मेरे आसपास में हर जगह पे दिल टूटे आशिक हो या ऐसे ही इमेजिनरी आशिक हो, सबके पास में उनका पूरा कलेक्शन हुआ करता था। खास बात ये थी कि उनकी आवाज, वो रोने वाली आवाज में गाते थे, जिसका एक इंडियन वर्जन समझ लो बी पराग है। बी पराग जब भी गाना गाते हैं उनकी आवाज में जो है दर्द के साथ साथ एक क्राइनेस, आई थिंक मैंने सही वर्ड बोला, एक रोता हुआ आवाज की फीलिंग आती है। तो भाई वो चीज जो है इन्होंने दोबारा से लाया और सबको पसंद आने लग गए। तो अताउल्ला खान के वो सभी गाने गाए हुए जो थे वो सोनू निगम ने गाए, जो कि बहुत ही ज्यादा सोलफुल लगता है, उनकी आवाज में भी सुनो तो एकदम कड़क लगता है। अब वो सारे एल्बम अगर आपने सोनू निगम की आवाज में सुन रखे होंगे तो बहुत ही रेयर पीपल होंगे जो कि अताउल्ला खान के ओरिजिनल वर्जन को सुनकर के एंजॉय करते होंगे, क्योंकि उस आवाज को सुनने के बाद में आप लिटरली आपका मूड डाउन हो जाएगा। आप कितने भी हाई मूड में क्यों ना हो, आप बस रोने धोने वाले मूड में आ जाओगे। पर सोनू निगम की आवाज में अगर सुनोगे पेन फील होगा, लेकिन आपका कम से कम मूड उतना डाउन नहीं होगा। अभी जो गाना आया है इसका नाम दिया है धोखे प्यार के, जो कि इस गाने को बेवफा सनम की मूवी के अंदर में क्लाइमेक्स से ठीक पहले उस गाने को दिखाया जाता है, और उस गाने को जो है हीरो गाता है। गाने के बोल कुछ ऐसे रहते हैं, ये धोखे प्यार के धोखे मेरे दिल ने सहे है रो रो के, किसी से कोई प्यार ना करे। ये लाइन हर किसी को भाता है, खास करके जो ट्रू लवर होते हैं या फिर इमेजिनरी वन साइडेड लवर होते हैं, उनके लिए तो भाई एकदम जख्म पे मरहम जैसा काम करता है। लेकिन यहाँ पे यार इस गाने के साथ में क्या मचाया है, आई एम नॉट टेलिंग यू कि जितने भी रीमेक आते हैं वो सबके सब बकवास होते हैं। जुबिन नौटियाल को भी अगर देखा जाए तो उसी तरह के सारे गाने को गा करके वो फिर से टॉप पे आ चुके हैं। बी पराक ने भी एक गाना गाया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा, पर सीरियसली बता रहा हूँ, लेकिन सीरियसली बता रहा हूँ, उसमें जो ट्यूनिंग थी ना उनकी, उनका जो एक आवाज था वो पेन था, वो उस गाने के लिरिक्स के साथ में जा रहा था। या तो लिरिक्स बहुत दमदार थे, इसलिए जैसे कि गाने के स्टार्टिंग के पहले चार लाइन, तुम दे रही हो दिल में किसी और को जगह, चाहेगा ना तुमको कभी कोई मेरी तरह, कुछ ऐसा लाइन रहता है, तो सीरियसली वो गाना जो है बहुत ज्यादा टच करता है, बी प्राक की आवाज में सूट करता है। लेकिन ये गाना ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, और ये गाने को मैं सुनकर के बोला क्यों गंदा किया इस गाने को, क्यों जरूरी है कि उन सभी गाने को उठा करके किसी और सिंगर से गवा दो, भले से वो सिंगर को सूट करे या ना करे। आई एम नॉट टेलिंग यू कि बी प्राक जो है बहुत गंदा गाना गाते, वो भाई बहुत ही बड़े महारथी है गाने के मामले में, और उनके पास में जब कोई पेनफुल गाना जाता है उसमें दर्द का मात्रा और बढ़ा देते हैं। वहीं पे अगर जुबिन नौटियाल की बात की जाए तो वो दर्द के साथ में एक सुकून जोड़ देते हैं, उनकी आवाज में एक अलग तरह का सुकून है, जैसे सोनू निगम की आवाज में एक सुकून फील होता है, दर्द आपको मिलेगा लेकिन एक सुकून होता है। पर बी पराग को ये गाना किसी एंगल से सूट नहीं कर रहा है। गाने की जो कहानी भी दिखाई गई वो बहुत बकवास है, एंड आई एम नॉट गोइंग विद द स्टोरी के हाँ भाई कहानी ऐसा क्यों दिखाया गया, लेकिन जो दिखाया गया बहुत ही बकवास दिखाया गया है। और अगर गाने की बात करूं तो वो जो मेन लाइन है, ये धोखे प्यार के धोखे मेरे दिल पे कहा है शायद, या दिल ने कहा है, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा आवाज में, पता नहीं क्यों मेरे कान खराब हो गए या फिर मुझे लिरिक्स के साथ में जाना चाहिए। तो भाई गाना इट वॉज नॉट गुड। ओवरऑल इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या हमारे पास में लिरिक्स खत्म हो गए, क्या हमारे पास में ओरिजिनलिटी खत्म हो गई है, क्या हमारे पास में अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड नहीं बचा है। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, व्हाट्स योर टेक, आपने गाना सुना है तो अपनी ओपिनियन दे सकते हो, भले से वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, नेगेटिव कमेंट विल नॉट बॉदर मी, सो प्लीज गो अहेड और बताओ कि आपको कैसा लगा। सो दैट वॉज माई ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस सॉन्ग, व्हाट्स योर टेक, एज आई टोल्ड यू दैट प्लीज डू कमेंट। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त।